आज के इस वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण हमारे सभी स्कूल, कॉलेजेस एवं अन्य संस्थान पूर्णतः बंद हैं। इस घड़ी में हमारे पास अपने छात्रों से कनेक्ट होने के लिए ऑनलाइन ही एक माध्यम बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम देखेंगे कैसे हम अपने छात्रों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस व्याख्यान में मैं 2 से 3 अलग अलग चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें प्रथमता तो LMS है, जिसको कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, दूसरा वीडियो क्लासेस एवं तीसरा वर्चुअल लैब्स। मैंने अपनी इस स्लाइड में, जो कि आपके समक्ष वीडियो में दिख रही है, 4 लिंक दिए हैं। ये चारों ही लिंक बड़ी ही आसानी से आप अपने कंप्यूटर पर खोल सकते हैं एवं इन चारों ही लिंक पर दी हुई सुविधाएं करीब करीब मुफ्त या बहुत कम खर्चे पर आपके लिए उपलब्ध हैं। अभी इस महामारी के काल में सितंबर तक ये सभी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध हैं। मैं एक एक करके सारी चीजों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। प्रथमतः ऑनलाइन शिक्षा में जो सर्वोपरि चीज है, उसको हम कहते हैं LMS, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक ऐसा सिस्टम है जहां पर छात्र एवं शिक्षक एक साथ उपलब्ध होते हैं। शिक्षक अपनी समस्त कक्षाओं के लेक्चर नोट्स, लेक्चर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स एवं अन्य जानकारियां इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन फोरम्स या अलग अलग तरीके की चीज़ें शिक्षक अपने छात्रों के साथ बांट सकते हैं। LMS के माध्यम से शिक्षक टेस्ट भी ले सकते हैं, असाइनमेंट भी दे सकते हैं एवं अपनी क्लास को सुचारू रूप से चला सकते हैं। LMS के लिए अभी के दृष्टिकोण में बहुत सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। बहुत सारे विकल्प हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे विकल्पों का इस्तेमाल ही कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पॉपुलर LMS जो कि उपलब्ध है वो है मूडल। परंतु मूडल यूज करने के लिए आपको एक IT टीम या ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत होगी जो आपके लिए वो सब स्थापित कर सके, जो शायद इस समय पर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो। जो मूडल का इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई टीम उपलब्ध नहीं है और आपको स्वयं ही अपना सारा का सारा क्लास चलाना है, तो उसके लिए ये जो 4 लिंक मैंने दे रखे हैं स्क्रीन पर, इन चारों से ये कार्य भली भांति किया जा सकता है। जो कि पहला लिंक है classroom.google.com, ये गूगल द्वारा आपके लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसको गूगल क्लासरूम भी कहा जाता है। गूगल क्लासरूम के जरिए आप अपनी क्लास इंटरनेट पर उपलब्ध करा सकते हैं। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, classroom.google.com मैंने URL खोला, यहाँ पर देख रहा है नो क्लासेस हेयर। तो शिक्षक के तरह जब मैं इसको पहली बार खोलूंगा, क्योंकि मैंने कोई क्लास अभी इस पर नहीं बना रखी होगी, तो नो क्लासेस हेयर करके ये बताएगा। शिक्षक के भांति मैं अपनी प्रथम क्लास इसमें जोड़ता हूँ, तो आप ये देख रहे होंगे मेरे माउस के पॉइंटर को अगर आप देखेंगे तो ये प्लस का चिन्ह बना हुआ आ रहा है। शिक्षक सबसे पहले अपनी एक क्लास बना लें। क्लास से सीधा सीधा तात्पर्य है वो फिजिकल क्लास जो आप अभी पढ़ा रहे थे, उसी का एक वर्चुअल रूप या उसका नाम आप यहाँ पर देखे वो क्लास बना सकते हैं। जैसे मैं अगर क्लास पढ़ा रहा हूँ वेब प्रोग्रामिंग की, तो मैं वेब प्रोग्रामिंग नाम से ये क्लास बनाऊंगा। बाकी इसके अलावा की जो ये 3 फील्ड इसमें दे रखी हैं, सेक्शन, सब्जेक्ट एवं रूम, ये ऑप्शनल फील्ड है। आप चाहें तो इसमें डेटा भर सकते हैं, चाहें तो इसको खाली भी छोड़ देंगे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा, तो एक तरीके से देखा जाए जो मैं क्लास लेता था वही क्लास एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मेरे लिए गूगल के द्वारा तैयार कर दी गई।
अब अगला काम मेरे पास क्या है, मैं अपने सभी छात्रों को अपने साथ कनेक्ट करूं, इस क्लासरूम में जोड़ूं, उनसे कहूं कि वो इस क्लासरूम में आएं। ये करने के लिए मेरे पास बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। प्रथमतः, अगर मेरे पास अपने सभी छात्रों के ईमेल एड्रेसेस हैं तो मैं उनको सीधे ही इस क्लास में जोड़ सकता हूँ। दूसरा, अगर मैंने पहले से ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल ग्रुप अपने छात्रों का बना रखा है तो मैं अपने छात्रों को ये कह सकता हूँ कि मैंने एक क्लास गूगल क्लासरूम में बना दी है, आप कृपया इस क्लास को ज्वाइन कर लें। अब ये दोनों ही विधियों में कैसे काम होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, आपने जो क्लास बनाई थी वेब प्रोग्रामिंग के नाम से, उस वेब प्रोग्रामिंग की क्लास के नीचे एक क्लास कोड दिखाई दे रहा होगा। यह क्लास कोड हर क्लास के लिए यूनिक है। जैसे इस वेब प्रोग्रामिंग क्लास के लिए क्लास कोड मिला USU7MPF। ये एक यूनिक कोड है मेरे लिए। यदि मेरे पास छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं या ईमेल ग्रुप पहले से ही उपलब्ध है तो मैं छात्रों से ये कहूँगा कि प्रिय छात्र, आप classroom.google.com पर जाइए और ज्वाइन क्लास करिए। ज्वाइन क्लास करते समय मेरा यह क्लास कोड आप अंकित कर दीजिए जिससे कि छात्र मेरी इस क्लास में जुड़ सकें। दूसरा तरीका, यदि मेरे पास सपने सभी छात्रों के ईमेल एड्रेसेस उपलब्ध हैं तो मैं ऊपर दिए गए पीपल लिंक पर जाऊंगा और यहां पर स्टूडेंट्स के आगे जो ये प्लस साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करके अपने सभी छात्रों को यहां पर जोड़ सकूंगा। जैसे यदि आपके संस्थान में पहले से ही गूगल सूट इंप्लीमेंटेड है तो आपको अपने सारे छात्रों के ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर दिखाई भी दे जाते हैं। अगर नहीं भी दिखाई देते और आपके पास वो ईमेल एड्रेसेस उपलब्ध हैं तो आप एक एक करके अपने सभी छात्रों का ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करें और इनवाइट पर क्लिक कर दें तो आप अपने सभी छात्रों को एक इनविटेशन भेज सकते हैं कि मैंने ये क्लास ऑनलाइन चालू करी है, आप मेरी क्लास में जुड़ें। ऐसे करते हुए आप 10 छात्रों को एक बार में इनवाइट भेज सकते हैं। आपको वो 10 ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर टाइप कर देने हैं और इनवाइट बटन पर क्लिक करना है। सभी छात्रों को इनविटेशन ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो केवल उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आपकी कक्षा को ज्वाइन कर पाएंगे। यदि आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं तो आप 6 बार में 10-10 करके अपने सभी छात्रों को इनवाइट भेज सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो भी काफी सरल है। अपनी क्लास पर जाएं, उसका क्लास कोड कॉपी करें और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, एसएमएस ग्रुप्स या फिर ईमेल के जरिए उनको भेज दें और बच्चे आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये तो एक छोटा सा तरीका था जिसमें मैंने आपको बताया कैसे एक क्लास बनती है और उसमें कैसे आप अपने छात्रों को जोड़ सकते हैं। क्लास बन गई, क्लास में हमारे छात्र आ गए, अब आगे क्या? मैंने बताया एलएमएस में जो पहला कार्य है, यहाँ एलएमएस किस चीज के लिए बना हुआ है? एलएमएस में आप अपने सारे नोट्स, अपनी क्लास की एक्टिविटीज और डिस्कशन बच्चों के साथ जो किया जाता है वो शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए 4 लिंक इस गूगल क्लासरूम में उपलब्ध हैं जिनको एक एक करके मैं बता देता हूँ। पहला लिंक जो कि डिफॉल्ट है, जिसको क्लास पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले आते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम वो जगह है जहाँ पर शिक्षक एवं छात्र कोई भी चीज लिख सकते हैं और आपस में शेयर कर सकते हैं। बच्चे भी यहाँ पर कमेंट पोस्ट कर सकते हैं और एज शिक्षक आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। एक डिस्कशन फोरम की तरह स्ट्रीम चलती है, मतलब जो कुछ भी हम बातें कर रहे हैं वो स्ट्रीम पर आता है। दूसरी चीज, जो दूसरा लिंक है, जिसको हम कहते हैं क्लास वर्क। क्लास वर्क में बेसिकली आप बच्चों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं
और जो भी गतिविधियां आप क्लास में कंडक्ट करते हैं वो सब आप यहाँ पर बना सकते हैं। एक लिंक क्रिएट करके दे रखा है, इस क्रिएट लिंक में आप देखेंगे आप असाइनमेंट बना सकते हैं, क्विज बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, क्लास का मटेरियल शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा टॉपिक बना सकते हैं जिस पर बच्चे कमेंट करेंगे, या एक डिस्कशन फोरम की तरह जो काम करेगा। और रीयूज पोस्ट भी यहाँ पर दे रखा है कि कोई आपने किसी क्लास में कोई चीज बना रखी हो वो दोबारा से यहाँ पर रिफ्लेक्ट करनी हो। मैं एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर में नहीं बता सकता, परंतु आप जब क्लासरूम बनाएंगे एक एक चीज को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो काफी आसान होगा। जैसे असाइनमेंट में पूरा का पूरा टूल अवेलेबल है, कैसे आप एक असाइनमेंट बनाएंगे, कैसे क्वेश्चंस उसके अंदर डालेंगे और ग्रेडिंग कैसे करेंगे, ग्रेडिंग के बाद कैसे बच्चों को आप मार्क्स दे पाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, आपको केवल एक बार एक्सप्लोर करना है। तीसरा लिंक पीपल, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यहाँ से आप छात्रों को अपने क्लासरूम में जोड़ सकते हैं। और चौथा और इम्पॉर्टेंट लिंक है ग्रेड्स का। जब आप क्लासरूम में असाइनमेंट ऐड करेंगे क्लास वर्क में, उसके बाद बच्चों को मार्क्स देंगे तो वो ग्रेड्स में दिखाई देगा। तो प्रथमतः एलएमएस का तो इतना ही काम है कि आप अपने लेक्चर नोट्स शेयर करें, अपनी क्लास के साथ इंटरेक्ट करें और एक संपर्क बनाएं अपने बच्चों के साथ। ये एक एलएमएस का मूलभूत काम है। इसके अलावा अब क्या, हमने क्लास में नोट शेयर कर दिए, असाइनमेंट्स दे दिए, बच्चों के साथ हम टेक्स्ट रूप में बातें भी कर पा रहे हैं इस एलएमएस के जरिए। अगला स्टेप आता है हम कैसे बच्चों के साथ वीडियो के जरिए इंटरेक्ट करें, कैसे वीडियो में लेक्चर लें। और अब आगे मैं बताऊंगा कैसे आप वीडियो लेक्चर छात्रों के साथ कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे आप छात्रों के साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो भी मटेरियल टेक्स्ट पोस्ट आप इस स्ट्रीम पर लिखते हैं वो बच्चों को ईमेल के माध्यम से, यदि बच्चों ने अपने मोबाइल पर गूगल क्लासरूम का ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो उसके नोटिफिकेशन के माध्यम से, एवं अन्य किसी और माध्यम से जो भी आपने गूगल क्लासरूम में सेट कर रखे हैं बच्चों के पास नोटिफिकेशन जाता है। जैसे यदि आप गूगल क्लासरूम में कोई भी मटेरियल पोस्ट करते हैं, कोई भी क्विज पोस्ट करते हैं, आपने जहां पोस्ट बटन पर क्लिक किया तुरंत ही बच्चों को ईमेल चला जाएगा। जिन बच्चों ने मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर रखी होगी उनको मोबाइल बॉक्स में एक नोटिफिकेशन आएगा कि शिक्षक ने असाइनमेंट अपलोड कर दिया या शिक्षक ने ये पोस्ट करी है, जिसके हिसाब से बच्चे अपने आगे का गतिविधि कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अब मैंने कहा था अपने पहले ही स्लाइड में जिसमें मैंने लिखा था एलएमएस, तो एलएमएस का ब्रीफ रोल और एक छोटा सा एलएमएस जो फ्री में आपके लिए उपलब्ध है मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद दूसरी चीज मैंने लिखी थी वीडियो क्लास, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में, कैसे हम बच्चों के साथ वीडियो पे कनेक्ट करें। तो उसके लिए भी गूगल द्वारा एक सुविधा उपलब्ध है जिसको कि गूगल मीट कहते हैं। वर्तमान समय में 250 लोगों की गूगल मीट, अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ, 1+249 लोग गूगल मीट की क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट को मैं क्लास तो नहीं कहूंगा लेकिन वीडियो क्लास कहूंगा। तो अब गूगल मीट क्या है ये देख लेते हैं, और गूगल क्लासरूम के साथ आप गूगल मीट कैसे इस्तेमाल करें ये भी एक बार देख लेते हैं। URL मैंने पहले ही आपको शेयर किया था, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। गूगल मीट का URL है meet.google.com। पहला URL क्लासरूम का था classroom.google.com, दूसरा URL है meet.google.com। ये बहुत ही सिंपल है, आपको केवल अपने वेब ब्राउजर में meet.google.com टाइप करना है और गूगल मीट आपके लिए चालू हो जाएगा। आपको केवल एक मीटिंग आईडी बनानी है और
कंटिन्यू कर जाना है, आपकी एक गूगल क्लासरूम वीडियो की चालू हो जाएगी। ये तो बहुत सरल तरीका है। अब हम ये देखते हैं कैसे गूगल मीट को आप अपनी गूगल क्लास के साथ इंटीग्रेट करते हैं और क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे एक शिक्षक की यदि इच्छा है कि वो शाम को 4 बजे कोई क्लास लेना चाहता है किसी दिन में, तो वो कैसे लेगा, कैसे बच्चों को सूचित करेगा कि वो क्लास उसकी है। हमें उसके लिए गूगल मीट का इस्तेमाल तो पड़ेगा, लेकिन हमको इस वेबसाइट meet.google.com की आवश्यकता फिलहाल के लिए नहीं होगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं दोबारा से अपनी क्लास पर आ जाता हूँ जो कि वेब प्रोग्रामिंग क्लास थी। इसमें क्लास वर्क पर मैं जाता हूँ और गूगल कैलेंडर क्लिक करता हूँ। जब मैंने कहा कि मुझे कल शाम को 4 बजे क्लास एक लगानी है, वीडियो क्लास करनी, तो सीधे सीधे मेरे मन में एक बात आई, कल शाम को 4 बजे, इसका मतलब कल शाम को 4 बजे एक इवेंट है या एक कार्यक्रम है या एक क्लास है, इसको मुझे किसी तरीके से शेड्यूल करना है। तो गूगल क्लासरूम में बहुत सुलभता से गूगल कैलेंडर भी उपलब्ध है। आप क्लास वर्क में गूगल कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये calendar.google.com ही लिंक खुलता है। अब जैसे मैंने बताया कल शाम को 4 बजे एक इवेंट करना है, एक क्लास करनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके लिए कैलेंडर में वो इवेंट जोड़ना पड़ेगा। आप क्रिएट पर क्लिक करें, क्रिएट पर क्लिक करें और सबसे पहला आप जो काम करें कि मोर ऑप्शंस पर यहीं पर क्लिक कर दें, जिससे सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएं। मोर ऑप्शंस, यहां पर मैंने क्लास का नाम डाला, क्लास ऑन जावा स्क्रिप्ट। अगर मैं वेब प्रोग्रामिंग की क्लास ले रहा हूं तो एक मुझको क्लास करनी है जावास्क्रिप्ट पर। किस तारीख को करनी है, मैंने कहा मुझे कल करनी है से शाम को 5 बजे, तो मैं यहां पर टाइम सेलेक्ट करूंगा, शाम को 5 बजे मेरी क्लास है जो कि 5 से 6 बजे तक चलेगी। अब कई तरीके की क्लासेस हो सकती हैं। कुछ क्लासेस ऐसी भी होती हैं जो हर दूसरे दिन हो रही हैं, हर हफ्ते होनी है। अब माना यही जावास्क्रिप्ट की क्लास मुझे अगले 1 हफ्ते तक रोज चलानी है, या एक ही दिन चलानी है, ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्लास रिपीट करनी है या नहीं करनी, यहाँ पर मुझे ऑप्शन है कि क्या ये क्लास रोज करनी है, क्या ये क्लास किसी एक पर्टिकुलर दिन में करनी है, 1 महीने में करनी है, 1 हफ्ते में करनी है, वगैरह वगैरह। ये आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर आप इसको शेड्यूल कर देते हैं रिपीट मोड में, तो आपको डेली या वीकली इवेंट बनाने नहीं पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो ये प्रथमता आप ही के ऊपर है, आपको ये क्लास कैसे शेड्यूल करनी है, क्लास कहाँ होनी है, ऑनलाइन होनी है, हम ऑनलाइन लिख सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कैमरे का फोटो बनी हुई यहाँ पर आ रही है और एड कॉन्फ्रेंसिंग है। एड कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, यहाँ पर गूगल कैलेंडर के साथ गूगल हैंगआउट मीट इंटीग्रेट होता है। ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको वीडियो क्लास लेनी है गूगल मीट के जरिए, तो इस पर जरूर क्लिक करें। गूगल मीट, अब इससे आप देखेंगे कि आपकी एक गूगल मीट का URL आपके लिए उपलब्ध हो गया, एवं अन्य बहुत सारी सेटिंग्स यहां पर अवेलेबल हैं जिनको आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको करना केवल इतना है, इसको जाके कर देना है सेव। इसके बाद आप देखेंगे हमने ये क्लास 5 बजे शेड्यूल करी, तो मेरे कैलेंडर में 17 तारीख को 5 बजे ये क्लास दिखाई देने लगी। अब मैं अपने छात्रों को इस क्लास के बारे में सूचित कैसे करूं, मेरे पास वही 2-3 ऑप्शन उपलब्ध हैं। या तो मैं WhatsApp के जरिए, ग्रुप के जरिए बता दूं, ईमेल कर दूं, या एक नया ऑप्शन जो मेरे सामने आया है गूगल क्लासरूम में क्लास बनाने के बाद, स्ट्रीम। अब मैं अपनी स्ट्रीम पर 2 चीजें लिखूंगा, पहले तो कि क्लास क्या है, किस तारीख को, कितने बजे है,
और क्लास को ज्वाइन करने का यूआरएल क्या है। तो मैं यहां से क्लास का यूआरएल कॉपी कर लेता हूं, इस पर क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो जाए, ये कॉपी हो गया। इसके बाद में दोबारा से अपने गूगल क्लासरूम पे आया, स्ट्रीम पर जाऊंगा और यहां पर लिखूंगा क्लास ऑन जावास्क्रिप्ट 17th April, क्लिक और पोस्ट कर। ये पोस्ट करते ही मेरे सभी छात्र के पास सूचना पहुंच जाएगी उनके गूगल स्ट्रीम में, उनके मोबाइल फोन्स पर, उनके ईमेल पर कि सर ने इतने बजे एक क्लास रखी। अब एज शिक्षक मैं और एज छात्र मेरे सभी छात्र इस निश्चित समय पर और इस निश्चित काल पर इस लिंक को क्लिक करेंगे, तब क्या होगा हम अब इस पर देख लेते हैं। मेरे छात्र और मैं स्वयं निश्चित समय पर इस लिंक पर क्लिक करता हूं तो गूगल मीट मेरे लिए खुल जाता है। प्रथमतः जब मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे कैमरा और माइक्रोफोन दोनों को अलाउ करना पड़ेगा, इसको मैं अलाउ कर देता हूं। आप स्क्रीन पर देखेंगे मेरी फोटो मेरा वीडियो आना चालू हो गया। अब मैं ज्वाइन नाउ पर क्लिक करूंगा, यही कार्य मेरे सभी छात्र भी करेंगे। मैं जैसे ही ज्वाइन नाउ पर जाऊंगा, एक अच्छी आदत यह है किसी भी वीडियो क्लास में ज्वाइन करने से पहले शिक्षकों चाहे छात्रों अपना माइक और हो सके तो अपना वीडियो भी बंद रखें, वरना होगा क्या, 100 लोग इकट्ठे किसी क्लास में ज्वाइन करेंगे, उनका माइक चालू होगा तो इतने लोगों की आवाज सभी तक जाएगी। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम अपना कम से कम माइक किसी भी क्लास को ज्वाइन करने से पहले बंद कर दें। मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूं, मेरे लिए एक वीडियो क्लास चालू हो जाएगी। जो भी छात्र इस क्लास में जुड़े होंगे वो मुझको यहां पर पीपल की लिस्ट में दिखाई देंगे। यदि मुझे उन छात्रों के साथ कुछ टेक्स्ट चैट करना है तो चैट विंडो में जाके मैं चैट कर सकता हूं, और अगर कोई वीडियो व्याख्यान देना है तो मैं यहां से अपना माइक अनम्यूट करके वीडियो व्याख्यान दे सकता हूं। यहां पर मेरे पास दो और ऑप्शन है, पहला टर्न ऑन कैप्शंस, नाउ आई एम स्पीकिंग। आपने देखा अगर टर्न ऑन कैप्शंस इनेबल्ड है तो जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, जो कुछ भी शिक्षक या छात्र बोल रहे हैं वो स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आएगा। यदि अंग्रेजी में क्लास हो रही है तो नीचे जो कैप्शंस आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, हिंदी के कैप्शंस उतने अच्छे अभी उपलब्ध नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में उपलब्ध हो जाएं। वीडियो क्लास लेते समय मुझे दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, बोर्ड की या प्रेजेंटेशन की जो मैंने बना रखी होंगी बच्चों के साथ शेयर करने की। इसके लिए सबसे उचित माध्यम है कि मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन बच्चों के साथ शेयर कर लूं, कि मेरी फोटो की जगह मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आनी चालू हो जाए। तो जो भी चीज मेरी स्क्रीन पर होगी, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या कोई और वाइट बोर्ड या एमएस पेंट या कोई भी ऐसी चीज जिसके जरिए मैं कुछ लिख के बच्चों को बता सकता हूँ, वो उसमें दिखने लगेगी। तो पेंट हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, वर्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो मैं बच्चों के साथ शेयर कर सकता हूँ। उसके लिए बड़ा ही सुलभ ऑप्शन है प्रेजेंट नाउ, इस पर क्लिक करूंगा और मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एंटायर स्क्रीन या आ विंडो। एंटायर स्क्रीन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन ही बच्चों को दिखने लगेगी।
मैं एंटायर स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ, ये फिर वही कहेगा कि स्क्रीन शेयर करनी है, अलाउ करना है या नहीं करना है। तो इसको मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन सिलेक्ट करके उसको बता सकता हूँ कि कौन सी स्क्रीन शेयर करनी। और अलाउ में करूंगा, अलाउ करते ही स्क्रीन शेयर हो जाएगी। अब मेरी स्क्रीन मेरे छात्रों को दिखाई दे रही और मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। साइड में छोटा सा आइकन जिसमें मैं कुछ बोल रहा हूं वो भी दिखाई दे रहा होगा। अब मैं ये स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूं तो मेरी पूरी फोटो या पूरा वीडियो छात्रों तक पहुंचने लगेगा। तो ये था कैसे एक वीडियो क्लास संचालित करी जाए, कैसे शेड्यूल करी जाए, कैसे कैप्शंस ऑन किए जाएं और कैसे मैं अपना कंप्यूटर का स्क्रीन या अपने लैपटॉप का स्क्रीन बच्चों तक पहुंचा पाऊं। क्लास बंद करते समय, ये क्लास बंद करने का ऑप्शन है जिसको कहते हैं लीव, इस पर मैं क्लिक करूंगा और मेरी ये वीडियो क्लास समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने एक वीडियो क्लास कंडक्ट कर ली, बच्चों को असाइनमेंट दे दिए, बच्चों तक नोट्स पहुंचा दिए और एक क्लास का मेरा करीब करीब 70-80% या 90% तक कार्य संपन्न हो गया। इस केस में जब मैं वीडियो क्लास ले रहा था तो मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन दिखा सकता था, मैं कोई वर्चुअल लैब बच्चों को दिखा सकता था, कोई पीडीएफ दिखा सकता था, बच्चों को लिख कर भी उनसे बात कर सकता था। अब इसी के साथ एक दूसरी और चीज है, हम लोग कहते हैं हमारे पास लैब्स नहीं है, या लैब में कैसे बच्चों तक पहुंचाऊं, बच्चों को दिखाऊं। हो सकता है कुछ वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आपके पास उपलब्ध हो जो कि आप बच्चों को दिखाना चाहें, आप वो भी स्क्रीन शेयर के जरिए दिखा सकते हैं। और यदि आपके पास कंप्यूटर में कोई भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? भारत सरकार के MHRD द्वारा साक्षात प्रोजेक्ट में वर्चुअल लैब का भी प्रावधान किया गया, जिसको आज 11 या 12 वर्ष करीब करीब हो चुके हैं। वर्चुअल लैब्स करीब करीब सभी इंजीनियरिंग विषयों में उपलब्ध हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भी कई संस्थान हैं जो वर्चुअल लैब बना रहे हैं और IITs तो काफी सारे हैं जो वर्चुअल लैब पर काम कर रहे हैं। IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, IIT बॉम्बे है, गुवाहाटी है, वगैरह वगैरह। तो यदि आपके पास कोई वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है, आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, vlab.co.in। अब थोड़ा सा इस वेबसाइट के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। हमने ये वेबसाइट खोली vlab.co.in, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर NME ICT बनी हुई एक वेबसाइट है, जिस पर करीब करीब सभी इंजीनियरिंग विषयों के लिए वर्चुअल लैब्स उपलब्ध हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे वो अप्लाइड साइंस की फिजिक्स की लैब हो या केमिकल की लैब हो। तो मैं एक लैब आपको इसमें दिखा दे, नीचे बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे IIT NIT वगैरह वगैरह इंस्टीट्यूट इसमें उपलब्ध हैं पहले से ही। तो मैं एक कोई वर्चुअल लैब दिखा देता हूँ कंप्यूटर साइंस की। इस वेबसाइट पर आपको कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी लैब दिखाई दे जाएंगी, जैसे डेटाबेस की लैब है, PHP की लैब है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की लैब है, ये सब छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए उपलब्ध हैं। हर लैब के सामने आ रहा है कि ये लैब कौन से IIT या कौन सी संस्थान के द्वारा विकसित करी गई है। तो मैं कोई एक लैब सैंपल के तौर पर दिखा देता हूँ, माना इंट्रोडक्शन टू PHP की लैब। तो इंट्रोडक्शन टू PHP की लैब में जब मैं जाता हूं तो ये COET पुणे के द्वारा बनाई गई लैब है, IIT बॉम्बे। तो
पूरी लैब यहाँ पर उपलब्ध है कि जैसे क्लास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या एम्स ऑब्जेक्टिव हैं, कैसे प्रोग्रामिंग होगी, कैसे क्या केसेस हैं। अब ये हर लैब में अलग अलग चीज़ें होंगी। आप देखें, इसका एम दे रखा है, थ्योरी दे रखी है, प्री टेस्ट दे रखा है, प्रोसीजर दे रखा है, सिमुलेशन भी दे रखी है। आप डायरेक्ट इस पर प्रोग्राम या कोड लिख के इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने कंप्यूटर साइंस की एक लैब दिखाई, अब यहाँ पर कोड लिखना है, उसको सिम्युलेट करना है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब अगर हम देखेंगे या मैकेनिकल की लैब अगर हम जाके देखें, तो उसमें कोड के अलावा जहाँ पर इक्विपमेंट्स भी होते हैं, वो इक्विपमेंट भी वर्चुअल लैब में उपलब्ध हैं, जिसमें बच्चे काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया मैकेनिकल का या बाकी किसी अन्य ब्रांच का नहीं है, लेकिन लिफ्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उपलब्ध हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट पर क्लिक करके उससे संबंधित असाइनमेंट, डेमो, सिमुलेशन उपलब्ध हैं। अब क्योंकि आप अगर मैकेनिकल के शिक्षक हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के शिक्षक हैं, आपको पता होगा ये सिमुलेशंस कैसे चलनी हैं या ये डेमोस क्या हैं। आप एक एक करके अपने विषयों की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स पे, अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी भी उसमें बहुत सारी क्लासेज उपलब्ध हैं। यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर की वर्चुअल लैब है, डीसी मोटर से लेकर सब कुछ उपलब्ध है। मुझे बहुत सारी चीजें तो इसकी नहीं पता, लेकिन आपको काफी कुछ इसमें देखने को करने को मिल जाएगा। शिक्षक के तौर पर वर्चुअल लैब्स हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। जो वर्चुअल लैब्स हैं हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, बच्चे भी वर्चुअल लैब पे अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने देखा कैसे LMS, वीडियो क्लास और वर्चुअल लैब्स आप एक साथ कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं और बच्चों तक कंटेंट पहुंचा सकते हैं, लैब्स पहुंचा सकते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वीडियो क्लासेस ले सकते हैं एवं अन्य बहुत कुछ चीजें जो आप नॉर्मल क्लास में करते थे, असाइनमेंट देते थे, पेपर देते थे, इंटरेक्शन करते थे, ये सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरी एक बड़ी चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी लिंक्स मैंने आपको आज बताए, जैसे कि गूगल क्लासरूम, मीट, कैलेंडर और वर्चुअल लैब, ये सारे के सारे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, किसी भी ऐसी डिवाइस पर जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है और ब्राउजिंग हो सकती है उस पर उपलब्ध हैं। इन तीनों चारों ही चीज के मोबाइल ऐप भी उपलब्ध हैं। तो आप छात्रों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो मोबाइल ऐप यूज कर लें। हाँ, बहुत से हो सकता है ऐसे भी छात्र होंगे जहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, उनको इंटरनेट सही माध्यम से नहीं मिल रहा है। उन बच्चों की हम बहुत ज़्यादा मदद इन क्लासरूम या इस वीडियो लेक्चर से तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि क्लासरूम के माध्यम से हम उन तक अपने क्लास के नोट्स पहुँचा सकते हैं। अगर कम स्पीड भी है तो भी बच्चे कम से कम अपने नोट्स डाउनलोड कर सकेंगे। और एक चीज़ जो मैं बताने से भूल गया, ये जो वीडियो क्लास थी meet.google.com वाली, जो हमने वीडियो क्लास एक देखी, उसकी आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं आ पा रहे, वो उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनकर लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है या बहुत कम स्पीड का इंटरनेट है या उस समय इंटरनेट उपलब्ध नहीं है जब आप क्लास ले रहे थे, वो उस समय के बाद भी इस वीडियो क्लास का लाभ ले सकते हैं। तो आज हमने देखा कैसे हम इंटरनेट के माध्यम से अपने छात्रों तक पहुंच सकते हैं और अपनी क्लासेस को बहुत इफेक्टिवली आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस महामारी के काल में अपेक्षा करते हैं कि आप अपने छात्रों तक पहुंच पा रहे होंगे एवं क्लासेस को एक अच्छे ढंग से ऑपरेट कर पा रहे होंगे। बच्चों तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरी आपसे यही विनती है कि जो टूल्स मैंने आज बताए, इनके माध्यम से आप कोशिश करें अपने छात्रों तक पहुंचने की एवं इस संकट के काल में भी क्लासेस को कंडक्ट कराने की। धन्यवाद।